ये एक मैनिफोल्ड गेज है। आज हम लोग सीखेंगे कि मैनिफोल्ड गेज क्या होता है। तो दोस्तों ये एक मैनिफोल्ड गेज है, इसमें प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों लगे होते हैं और इसमें दो हैंडल होते हैं। एक हैंडल से हम प्रेशर गेज को कंट्रोल करते हैं, जो प्रेशर गेज की तरफ का है हैंडल है, और कंपाउंड गेज की तरफ का जो हैंडल है उससे हम कंपाउंड गेज को कंट्रोल करते हैं, इसके प्रेशर को। और दोस्तों यहाँ पे तीन लाइनें आपको दिखाई दे रही है। एक बीच वाली लाइन जो है ये आउटपुट की लाइन है, और जो इसके जस्ट नीचे नीचे वाली लाइनें हैं जो साइड साइड वाली है, ये दोनों इसके इनपुट की लाइनें हैं। तो ये इनपुट की लाइन है और ये भी इनपुट की है, और ये जो है बाहर ये बीच वाली लाइन ये आउटपुट की है। दोस्तों इसमें क्या है, हमारे कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में जो दो लाइनें आउटपुट की थी, जैसे यहाँ पे एक आउटपुट की लाइन और यहाँ पे एक आउटपुट की लाइन, इन दोनों आउटपुट वाली लाइन को ये जोड़ दिया है, इस तरीके से ये जोड़ दिया है और जोड़ करके ये एक लाइन बना दिया। मतलब ये प्रेशर गेज का जो आउटपुट लाइन था और कंपाउंड गेज का जो आउटपुट लाइन था, उन दोनों लाइनों को ये जोड़ करके सिर्फ एक लाइन बना दिया है आउटपुट का। तो ये एक आउटपुट की लाइन है और ये इनपुट की लाइन है प्रेशर गेज के लिए, और ये कंपाउंड गेज के लिए जो है ये इसकी इनपुट की लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक टांगने के लिए भी दिया हुआ है, जब आप कभी काम कर रहे हो तो ये कंडेंसर पे या किसी भी जगह पे इसको आप इस तरीके से टांग दें, और टांग करके आप यहाँ से आप इसके प्रेशर को कंट्रोल करें। और इसका दोस्तों अब इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों को नहीं ले जाना पड़ेगा। अगर आपके पास मैनिफोल्ड गेज है तो सिर्फ मैनिफोल्ड गेज से आप प्रेशर भी चेक कर लेंगे। मैनिफोल्ड गेज में जो प्रेशर गेज लगा हुआ है इससे आप प्रेशर चेक कर लेंगे कंप्रेसर का, और पूरे सिस्टम का जो लीकेज है पाइपों को उसको भी चेक कर लेंगे। और इसमें लो प्रेशर गेज लगा हुआ, मतलब कंपाउंड गेज लगा हुआ है, तो इसके द्वारा आप वैक्यूम भी कर सकते हैं और गैस भी चार्ज कर सकते हैं। तो आपको प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ मैनिफोल्ड गेज आपके पास है तो आप उससे जो भी काम, आप जो भी प्रेशर चढ़ाना है या फिर वैक्यूम करना है, गैस चार्ज करना है, कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना है, सब कुछ इसी से कर सकते हैं दोस्तों। तो बस, और उसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ग्लास बना हुआ है। ये ग्लास जो है, ये जो कांच है, इस कांच के ज़रिए से आप देख सकते हैं अंदर गैस जा रही है कि नहीं जा रही है, बस इसका काम यही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैनिफोल्ड गेज के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैनिफोल्ड गेज क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।